7 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा का दिन। संभावना तो इस बात की है कि जैसी पूरे विश्व में महामारी है तो बुद्ध पूर्णिमा लॉकडाउन में जाएगा, यानी कि सब अपने अपने घरों में इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, जैसा कि पुराने समय में होता था। पूजा पाठ तो पुराने समय में कहीं होती नहीं थी, क्योंकि पूजा पाठ तो जो बुद्ध की फिलॉसफी और पद्धति है उसमें कहीं है नहीं। बाद में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको जोड़ा है इसमें अंदर। प्रैक्टिस अभ्यास जरूर है, धर्म को सीखना है, धर्म का व्यवहार करना है, ये बात इसमें तय है। मगर हंसी की बात यह है और गुस्से की बात भी है कि धम्म जहां संघ बनाता है, यानी कि धम्म के जितने लोग हैं वो संघ बनाते हैं, संघ का मतलब साथ रहते हैं, एक साथ होते हैं, वहीं धम्म के जितने भी धम्मिक लोग हैं या धम्म को मानने वाले हैं, या आज की भाषा में उनको बुद्धिस्ट या बौद्ध या बुद्ध, धम्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संघ में नहीं है, अलग अलग है। ये धम्म का बिखराव और ये धम्म का जो असंग है, यानी कि जिसमें संग नहीं है, असंगठित है, ये धम्म के विरुद्ध बात है। यानी कि धम्म की अलग अलग संस्था हैं, धम्म के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग धम्म के ग्रुप हैं, और बड़े सीना ठोक के और तान के कहते हैं कि हम बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध हैं, हम सबसे बड़े बुद्ध के अनुयायी हैं, हम सच्चे बुद्ध हैं। यानी सच्चे और झूठे भी हैं, सच्चे बुद्धिस्ट और झूठे बुद्धिस्ट भी आ गए हैं। तुम झूठे बुद्धिस्ट, हम सच्चे बुद्धिस्ट, ये भी कहानी आ गई है। मतलब बुद्ध से आगे बुद्ध की फिलॉसफी चल रही है, एक बड़े कमाल की बात है। जरा भी शर्म नहीं आती इस बात के लिए कि कैसे बुद्धिस्ट हो, अगर एक बुद्ध पूर्णिमा को एक साथ नहीं मना सकते, अगर धम्म के सारे बुद्ध विहारों को एक साथ नहीं कर सकते, अगर बुद्ध की सारी शिक्षाओं को एक साथ नहीं बता सकते, अगर बुद्ध का एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बना सकते, एक केंद्रीयकृत सिस्टम नहीं बना सकते, बुद्ध का एक संघ नहीं बना सकते, अगर बुद्ध का एक कहीं कोई एकता का यूनिफाइड का कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते, तो कम से कम बुद्ध का नाम मत लीजिए, क्योंकि बुद्ध ने आपको असंग नहीं सिखाया, बुद्ध ने आपको संघ सिखाया, बुद्ध ने आपको धम्म सिखाया। और अगर धम्म आप सीख गए हैं तो धम्म में कैसा ईगो, धम्म में तो करुणा है, मित्रता है, समता है, भाईचारा है, प्यार है। कहते कहते आप थकते नहीं, जब आपको माइक मिल जाता है तो माइक छोड़ते नहीं, करुणा, मैत्री, भाईचारा, मुदिता सब पढ़ा देते हो एक तरफ से, बुद्ध के सारे 10 पारमिता, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का इतना, बुद्ध का उतना, कमाल का आपका लेक्चर, कमाल का भाषण, मगर व्यवहार आपका जीरो। अलग अलग आपके मेले लगते हैं, अलग अलग आपके संगठन लगते हैं, अलग अलग आपकी सभाएं लगती हैं। आपका कोई भी भारत में अगर किसी को, नागपुर वाले व्यक्ति को अगर इलाहाबाद जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, या गुजरात जाना हो, या सूरत जाना हो, या कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना हो, तो वो ये नहीं जानता कि उसको किस बुद्ध विहार में जाके किससे संपर्क करना है, या उसे कोई सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके जितने भी धर्म की शालाएं हैं, धम्म की शालाएं हैं, या जो आपके बुद्ध मंदिर या बुद्ध विहार हैं, उनका कोई सेंट्रल सिस्टम भी नहीं है, यूनिफाइड सिस्टम भी नहीं है। 1000 आदमी अगर बुद्ध विहार बनाते हैं तो 1000 तरह की पर्ची छापते हैं और बेचारे अलग अलग पैसा इकट्ठा करते हैं। आपका पैसा एक साथ रखने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आपका भारत का कम से कम पूरा बुद्ध विहार प्रबंधन कमेटी आपकी बन जाती तो जितने बुद्ध विहारों का निर्माण होता है वो सबका पैसा लोग दान में एक साथ दे देते आपके उसमें, और वहां से पैसा रिलीज होके और वो बन जाता। बल्कि उसमें कुछ लोग सहायता भी करते, कुछ इंजीनियर वगैरह भी होते तो काम बन जाता। अंबेडकर भवन जो दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसपे बाबा साहब ने अपना खून पसीने का पैसा देके उसको बनाया, उसको उस पर उन्होंने अपना पत्थर लगाया, उस पर लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया, वहां की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनकी खुद की अस्थियां, उनके खुद के जो हड्डियां हैं, जो राख है, वो एक साधारण से गमले मटके में रखी हुई फिरती रहती हैं, ऐसे ही धूल चाटती रहती हैं, लोगों को पता भी नहीं है। उसका चैत्य भूमि, उसका बुद्ध विहार 70 साल पहले बनना था, मगर आप सब चूंकि इकट्ठे नहीं है इसलिए जिसका जो मनाया उसने अंबेडकर भवन का वैसा ही किया। किसी ने अंबेडकर भवन पर शादियां करा दी, किसी ने वहां पे स्कूल बंद किया, किसी ने स्कूल खोला, किसी ने वहां पे बसें खड़ी करा दी, किसी ने वहां पे पार्किंग बना दी, किसी ने वहां टेंट लगवा दिए, किसी ने वहां जो जिसका मनाया, किसी पार्टी का टेंट लगवा दिया, पार्टी का
वहां ठहराव हो रहा है, दुनिया भर की बात है, मगर वहां बाबा साहब के सपनों का कोई काम नहीं। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि आप जैसे बुद्धिस्ट हैं, जैसे अंबेडकरवादी हैं, वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। आपको इस बात के लिए समझना चाहिए कि आप काबिल नहीं हैं। अगर आप काबिल होते तो पूरे देश का एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज सिस्टम बना देते। बेशक आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बेशक आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकती हैं, बेशक आप बहुत ज्यादा बड़े सामाजिक आदमी हो सकते हैं, बेशक आप बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, मगर आप वो सेंट्रल सिस्टम नहीं बना पाए। आप स्टेट का सिस्टम भी नहीं बना पाए। आपका बस व्यक्तिवाद का कोई सिस्टम हो सकता है, वो भी किसी की दया के ऊपर। किसी ने अगर कोई दया दिखा दी तो ठीक है, वरना छुट्टी, कोई बात नहीं है। ये सोचना, 7 मई आ रही है, आप लॉकडाउन में है, इसको सोचिए कि बुद्ध जो पूरी दुनिया में फैल गए और बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं, भारत में इतने कमजोर आपने क्यों कर रखे हैं, जबकि वो कमजोर नहीं है। क्या कारण है कि आप उनके सेंट्रलाइज सिस्टम को बना पाने में अक्षम हैं, नाकाबिल हैं, इनकम्पिटेंट हैं? क्या कारण है कि आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं है जो पूरी दुनिया पे काबिज हो सके? क्या कारण है कि आप बहुत छोटा सोचते हैं और बड़ा नहीं कर पाते हैं? मैंने यहां बुद्ध विहार के अंदर, जिसका मैं मेंबर हूं, वहां मैंने कहा था कि यहां दिल्ली के सारे बुद्ध विहारों का एक सेंट्रल सिस्टम बना लेते हैं। तो 2-3 जो बूढ़े लोग थे, जो किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने विरोध किया, बहुत तगड़ा विरोध किया। मैंने उनसे कहा, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी तुम्हें यही सिखाती है, विरोध करना सिखाती है? ये काम खराब है क्या? कहने लगे, हम तेरे को नेता नहीं बनने देंगे। अरे मेरे को नेता मत बनाओ, तुम खुद नेता बन जाओ। अरे करो तो सही, मेरे को मत बनाओ, काम तो करो। काम करने में क्या दिक्कत है? तुम नेता बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा, काम करूंगा, करो तो सही। मगर तुम, मैं नेता बनू ना, तुम करो ना, ये कुछ समझ में आई तुम्हें बात? के धर्म का सहायता कर रहे हो या धर्म का विरोध कर रहे हो? अंबेडकरवाद का सहायता कर रहे हो या अंबेडकरवाद का विरोध कर रहे हो? हमारा बुद्ध विहार के अंदर हमने कहा कि यहां 200-300 आदमियों की धर्म देशना हो सकती है। अच्छे लोगों ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और जो बहुत ज्यादा कुंद माइंड के लोग थे, उन्होंने कहा, जी यहां तो इतनी जगह ही नहीं है, यहां कैसे अरेंजमेंट होगा? अच्छे लोगों ने कहा, यहां टेंट लगा देंगे, टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। मगर खराब लोगों ने कहा, जी नहीं, ये तो नेता बन जाएगा। अरे भाई, तुम नेता बन जाओ, तुम लगाओ यहां, कुछ करो तो सही। तुम करोगे नहीं, किसी को करने दोगे नहीं, धर्म कैसे बढ़ेगा? तुम कैसे धर्म के आदमी हो, कैसे अंबेडकरवादी आदमी हो? इस सोच से निकलना पड़ेगा। इस सोच से बहुत लोग मर चुके हैं, सोच के साथ में दफन हो चुके हैं। कहीं कोई क्रांति नहीं होने वाली है। सारा भारत क्रांति के लिए परेशान है, भुखमरी से परेशान है, कुछ करना चाहता है भारत। भारत में इतना दम है कि वो चाइना से आगे निकल सकता है, अमेरिका के बराबर पहुंच सकता है, और थोड़ा दम लगा दे तो अमेरिका से आगे भी पहुंच सकता है। पानी हमारे पास है, खेत हमारे पास है, खलिहान हमारे पास है, खनिज हमारे पास है, पढ़े लिखे लोग हमारे पास है, टेक्निक हमारे पास है, करने की कुछ इच्छा हमारे पास है। हो सकता है आप एक बार यूनिफाइड सिस्टम तो बनाइए, सारे बुद्ध विहारों को जोड़िए, सारे एक सेंट्रल सिस्टम बनाइए जिसमें भारत के सारे बुद्धिस्ट लोगों का रजिस्ट्रेशन हो कि हमारे इतने बुद्धिस्ट इस जिले में हैं, इतने लोग इस जिले में हैं, इतने लोग इस जिले में हैं। बनाइए तो सही, तभी तो आप दुनिया से मदद ले सकेंगे, तभी तो दुनिया आपको मदद देगी, तभी तो दुनिया आपको मानेगी कि ये बुद्ध की भूमि है, तभी तो आपको गर्व होगा कि आप बुद्धिस्ट हैं, तभी तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा, तभी तो बाबा साहब मुस्कुराएंगे कि आज मेरे अनुयायियों ने मुझसे बड़ा काम किया है। हर बाप को खुशी होती है जब ये पता चलता है कि उसके बेटे ने उससे बड़ा काम किया है। आप उस खुशी को बाबा साहब को दीजिए ना, बाबा साहब से बड़ा काम कीजिए। बाबा साहब जहां दे गए हैं वहां से आगे गाड़ी में धक्का मारिए और चलिए। व्यक्तिवाद को और वंशवाद को छोड़ दीजिए, और छोटी जो सोच है उसको छोड़ दीजिए, वरना आपका सत्यानाश और सर्वनाश तो हो ही गया है। अब आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू आने का इंतजार है। धन्यवाद।